नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लाइव 18 में। मैं आपके साथ राज ठाकुर। इस टाइम हम मौजूद है खजूरी चौक पे और कांवड़ियों का एकदम महोत्सव, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुंदर बहुत अच्छा भवन सजा हुआ है यहाँ पर। आप भोलों की व्यवस्था भी अच्छे से करी हुई है और एक एक यहाँ पर भोलों के रुकने के लिए पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर भोलों के रहने के लिए, खाने के लिए, विश्राम करने के लिए एक बहुत अच्छा है। और यहाँ पर साथ ही साथ ध्यान रखते हुए पुलिस प्रशासन का, सिविल डिफेंस के भी लोग दिखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भोलों की कावड़ के लिए, और साथ ही मेरे साथ पीछे मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी है, अगर किसी चीज़ की मेडिकल के लिए की जरूरत पड़ती है तो उस चीज़ का भी खास ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और इस टाइम हमारे साथ यहाँ मौजूद है भोले के सेवक, जो यहाँ पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं किस तरीके से भोले बाबा के भक्त यहाँ पर जल लेके आते हैं, उनको रहने के लिए और खाने के लिए व्यवस्था क्या है, और क्या 2 साल के बाद किस तरीके से ये माहौल है। और आइए जानते हैं। तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर आदेश कुमार है। 2 साल बाद कहीं ना कहीं, जैसे कोरोना था, इसके बाद 2 साल बाद ये कांवड़ का मौका मिला है, इस बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, 2 साल के बाद ये खुशी दोबारा मिली है, हमें सेवा करने का मौका मिला है। नहीं, 2 साल से तो सर ऐसा लग रहा था कि ना तो कोई कांवड़ हरिद्वार जा पा रहे थे हर की पौड़ी पर, लेकिन इस बार भोले बाबा ने बहुत अच्छा किया कि इस बार हमें दोबारा सेवा करने का मौका दिया गया 2 साल में, और काफ़ी अच्छे से सेवा कर रहे हैं हम लोग। किस तरीके से भोलों का ध्यान रखा गया है, जैसे भोले दूर दूर से आ रहे हैं, हरिद्वार से कांवड़ लेके आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें दिख रही है? सर, हमारा ये कांवड़ शिविर छठा है, हम 6 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमारे कांवड़ शिविर में ना हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारा किचन है, 24 घंटे खाना अवेलेबल रहता है यहाँ पे, खाने से लेके पानी से लेके सर हर चीज़ अवेलेबल, मेडिसिन वगैरह भी हमने सारी फैसिलिटी की हुई है यहाँ पे। भोले को हर चीज़ की जो भी इसको प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ को हम अच्छे से कर रहे हैं, उसको खाना भी टाइम पे दे रहे हैं, चाहे मतलब जो भोले को चीज़ें चाहिए वो हम टाइम पे अवेलेबल करा रहे हैं, खाने से लेके पीने तक मेडिसिन भी दे रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है हर चीज़ का हम सर कर रहे हैं। शिव गोड़ा सावर सेवा लग रहा है, हमारा सेवा करने बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल बाद मौका मिला है, बहुत ही अच्छा, भोले बाबा की कृपा ऐसी बने रहे हमेशा, हर साल कांवड़ शिविर लगता रहे हमारा। बस देख ही सकते हो, सभी कांवड़ शिविर पे आ रहे हैं, सबकी अच्छी तरीके से सेवा हो रही है, जितने भी आ रही है सबको सोने के से लेकर कूलर तक की व्यवस्था, बिजली का चार्जिंग वगैरह सब व्यवस्था दे रहे हैं, पूरी सेवा करते हैं, रात भर यहाँ जग के इनकी कांवड़ियों की रक्षा करते हैं, कांवड़ की जो ये लाते हैं। जैसे आपने देखा था अभी यहाँ पे एक केस हो गया था, वहाँ पे मांस का टुकड़ा वगैरह मिला था, इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा सतर्क है और इनकी कांवड़ का हमेशा ध्यान रखते हैं, 10-12 जने यहाँ पे जग के पूरी सेवा देते हैं। मेरा नाम आनंद कुमार है, और पिछले 2 सालों से, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना से हमारा देश जूझ रहा था, और 2 साल के बाद अब हमें सेवा का मौका मिला है, तो बहुत ही खुशी का अवसर है, और हम बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, सभी हमारे साथी हैं यहाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इसी तरीके से सेवा चलती रहे। जैसे 2 साल से भोले भक्त हरिद्वार नहीं जा पा रहे थे, और अब 2 साल बाद हर की पौड़ी पे जाने का वो मिली है, सभी भोले भक्त बड़े खुश है, और काफ़ी भीड़ में गए हुए हैं हर की पौड़ी पे, और बहुत ही आनंद आया हुआ है, और देखो रोड पे बड़ी चहल पहल है, सभी भोले भक्त बड़े खुश है, और ये हमारा कांवड़ शिविर अब की बार छठी बार लग रहा है, और पिछली 2 साल से नहीं लग पा रहा था कोरोना की वजह से। बाकी हमारे यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, मेडिसिन से लेके खाने तक का सब फैसिलिटी यहाँ पर है। बोल शंकर भगवान की जय। बोले कहाँ से? हम बोले चौहान पट्टी से हैं। तो हरिद्वार से आप कांवड़ लेके आए? हाँ जी, जल लेके आए, कलश लेके आए हैं हरिद्वार से हम, और हम यहाँ पे रुके, यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा है, यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़, चाय पानी नाश्ता, हम यहाँ पे कल ही आ गए थे, कल शाम से हम यहीं पे हैं, अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, भाई लोगों ने बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखा है। कितना टाइम लगा आपको वहाँ से यहाँ आने में, और पीछे जैसे अगर बात करूँ मैं यूपी की, तो यूपी में किस तरीके की व्यवस्था रही होगी सरकार? हर जगह व्यवस्था बढ़िया है, सब कुछ एक नंबर का चल रहा है, हम तो यूपी से ही आ रहे हैं, वहाँ से पूरा पैदल ही आए हैं, हर जगह व्यवस्था बढ़िया चल रहा है, सब कुछ